अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू उस्मो माई लाइफ स्टाइल कुकिंग एंड अर्ली एजुकेशन ब्लॉग। और जी हाँ, आप लोग कुछ सामान तो नज़र आ रहे होंगे। तो जैसे आप जानते हैं, मैंने अबान की बर्थडे पे बनाया था ब्लिपी केक, और ब्लिपी केक बनाने के बाद मेरे सर पे बेकिंग का भूत सवार है, और मुझे अब किसी भी हाल में बेकिंग सीखनी है। मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केक्स बनाने हैं, तो आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बेकिंग में। ब्लिपी केक भी मैंने सबकी रेसिपी सर्च करके एक कोई रेसिपी सेलेक्ट की, और उससे मैंने ब्लिपी केक बनाया था। तो अब मैं जा रही हूँ चॉकलेट स्पंज केक बनाने। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी और आज मैं उसको ट्राई करने जा रही हूँ। देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसा बना। चॉकलेट स्पंज केक के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो मैं आपको दिखा दूँ। पहले तो ये आपको पता है मेरी एक बुक जिस पे मैं लिख लेती हूँ, चॉकलेट स्पंज केक की ये रेसिपी और ये पूरा मेथड है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बनाया है डेंट, कहते हैं क्या कहते हैं आई डोंट नो, वो ट्राई किया है बहुत ज़्यादा, उसमें ब्लेंडर्स हुए, लेकिन उसकी वीडियो मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा किस तरह से मैंने फंडेंट बनाया है मार्शमेलो का, और उसमें बहुत सारे ब्लेंडर हुए वो भी दिखाऊंगी, तो मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैंने आपको नीचे दे दिया। चॉकलेट स्पंज केक बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने ली है 5 लार्ज एग व्हाइट, ठीक है, ये एग, इसको अभी हम अलग कर लेंगे। 5 अंडे लिए हैं और इसको हम एग वाइट अलग कर लेंगे और एग योक अलग कर लेंगे। उस रेसिपी कार्ड में 4 एग योक थी लेकिन मैं पूरे यूज़ करूँगी। और हमें चाहिए कैस्टर शुगर 120 ग्राम, ओके। इसके अलावा हमें चाहिए विनेगर 1 टेबल स्पून, ये रखा हुआ है मैंने विनेगर। प्लेन फ्लोर चाहिए 90 ग्राम, तो ये रहा मैदा 90 ग्राम। और कोको पाउडर हमें चाहिए 30 ग्राम, तो ये रखा हुआ है 30 ग्राम कोको पाउडर। सॉल्ट चाहिए, तो ये हटा देती हूँ मैं, ये लीजिए सॉल्ट, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। और 20 ml ऑयल चाहिए, ये रहा 20 ml ऑयल, ये एजल का कप है तो मैंने इसमें ले लिया 20 ml ऑयल। और इसके अलावा हमें चाहिए मिल्क 30 ग्राम, तो मिल्क फ्रिज में रखा हुआ है, मैं लेकर आती हूँ। इसके अलावा हमें चाहिए 1 टेबल स्पून वनीला। सबसे पहले हम वेट मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, इसी मिल्क में बना लेते हैं। 30 ग्राम मिल्क लिया है, इसमें मैंने डालना है 1 टेबल स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह करे बहुत अच्छा बन जाए। उस दिन जैसा बना था उससे अच्छा बने, वो फ्लफी थोड़ा नहीं था। और क्या जाएगा इसमें, 20 ग्राम ऑयल चला जाएगा। ये हमारा चला गया, वेट मिक्सचर तैयार हो गया, इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब हम करते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स। ये है कैस्टर शुगर, इसके अंदर हम डाल देते हैं 90 ग्राम हमने प्लेन फ्लोर लिया है वो डाल देते हैं इसमें। कोको पाउडर डाल लेंगे, कोको पाउडर हमने कितना लिया, 90 ग्राम प्लेन फ्लोर लिया है, 30 ग्राम कोको पाउडर लिया है, 1.5 टीस्पून सॉल्ट लिया है वो भी डाल देंगे। और ये हमारा सॉल्ट ये भी चला जाएगा इसमें। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए, ये हमारा वेट इंग्रेडिएंट मिक्स हो गया। अब हम चलते हैं इस दर अंडे ब्रेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज सब आपके सामने होगा। बिस्मिल्लाह, जर्दी और सफेदी अलग कर देते हैं। जारी में सर्दी, वाह वाह, स्पॉट की तरह मैं तो जर्दी अलग कर रही हूँ। ये दूसरी जर्दी, बेकिंग करना बड़ा ही मज़ेदार काम है, बहुत मज़ा आता है बेकिंग करते हुए, लेकिन इसके बाद जो फैलावे साफ़ करने होते हैं वो सबसे बुरे लगते हैं मुझे, बर्तन बहुत जमा होते हैं। जर्दी अलग हो गई, सफ़ेदी अलग हो गई, इसमें 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर जाएगा। स्टार्ट करते हैं,
गड़बड़ करती है, एक मिनट ये गड़बड़ मैंने ये की कि हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जो है कैस्टर शुगर तो डालनी ही नहीं थी, वो तो हमने इसमें डालना है। निकालती हूँ मैं, देखते हैं हो जाए। आ गई कैस्टर शुगर हमारी, ऊपर का मैंने हटा दिया है। उफ़, ये रहा ड्राई इंग्रेडिएंट्स, अलग कर दिए मैंने। फर्स्ट टाइम बेकिंग कर रहे हैं और कोई गड़बड़ ना ऐसा हो। आज के दिन की बेकिंग मेरी बहुत ज़्यादा टफ रही। अब क्या हुआ मेरे साथ, जो मैंने वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार किया था उसके ऊपर मेरा कैमरा गिर गया और सारे एग और वेट इंग्रेडिएंट्स सब वेस्ट हो गया। ये मैंने दोबारा बनाया। इसके अलावा मशीन बार बार नहीं चल रही थी, उसके बाद लाइट इतनी जा रही थी और फिर जो है मेरे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो भी फ्लोर पे गिर गए। तो आज यानी सब ब्लंडर ब्लंडर रहा। इसके अलावा आज मैंने फंडेंट भी बनाई, उसमें भी सब अजीब सा ही ब्लंडर हुआ। तो वो भी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा तो मैं लिंक दे देती हूँ, वो ज़रूर देखेगा। तो खैर जैसे तैसे करके फिर भी मैं दोबारा करती गई और हिम्मत नहीं हारी। लो अब एक और मसला ये हुआ कि पहले जर्दी डालनी थी बाद में ड्राई इंग्रेडिएंट, तो खैर मैंने पहले ड्राई इंग्रेडिएंट डालने लगी फिर याद आया तो फिर मैंने जर्दी ऐड की। उसके बाद अब मैं जो है ये कोको पाउडर वाला मिक्सचर इसमें ऐड कर रही हूँ और अपने जो विस्क को है आराम आराम से फोल्ड कर करके इसको मिक्स कर रही हूँ। इस ज़्यादा मिक्स भी नहीं करना और इस तरह भी नहीं करना कि लम्स अंदर रह जाएं। तो बहुत ही प्यार से इत्मीनान से आप फोल्ड कर करके इसको मिक्स कीजिए। और मैंने एग वाइट और आइसिंग शुगर को इतना ज़्यादा विस्क किया है कि एक फोम की शक्ल में वो आ गया था। और जब आप अपने विस्क को उसमें डिप करके ऊपर खेल लेते हैं तो एक फोम जैसे गिरता नहीं है, इस टाइप का हो जाता है, वो मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो चुका है, फोमी सा, और वाकई में केक बहुत मज़ेदार बना था। आज का दिन थोड़ा टफ रहा लेकिन केक जब मज़ेदार बना, जब केक की सबने तारीफ़ की तो दिल को खुशी मिल गई कि हाँ अब मैं बेकर बन सकती हूँ। मैं जो है सेकंड अटेम्प्ट में मेरा केक और बेहतर हुआ तो आगे मैं और कोशिश करूँगी, तो इंशाल्लाह एक दिन मैं बेकरी खोलूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके अब मैं तो अब इसमें जाएगा वेट इंग्रेडिएंट जो कि हमने मिक्स करके रखा हुआ था और इसको भी आराम आराम से हम फोल्ड करेंगे। इसके अलावा मैंने मोल्ड को जो है मेरा साइड से मोल्ड पता नहीं क्यों लीक होता है ये वाला मोल्ड, तो मैंने चारों तरफ बटर पेपर लगा दिया। ये लगाने में भी बड़ी मुश्किल हुई मुझे, खैर लग गया ये भी। उसके बाद इस पर मैंने बटरिंग कर ली और अब मैं जो ये बैटर है ये इसके अंदर फिल कर रही हूँ। उसके बाद इसको जो है बबल्स जो अंदर बन जाते हैं उसको मैं निकालूंगी स्पैचुला की मदद से भी, और इसके अलावा क्या कहते हैं बर्तन को पटकेंगे आप, तो इस तरह से किया। उसके बाद मैंने इसको बेक करने रख दिया और बेक जो है टाइमिंग बताए हुए थे बेकिंग के उस टाइमिंग पे मैंने रखा लेकिन फिर भी कच्चा रहा बैटर, तो मैं इसको दोबारा चेक करती रही और दोबारा बेक करती रही, कभी 10 मिनट कभी 15 मिनट कभी 20 मिनट्स, तो वो आप मेरे साथ रही और देखते रही। लेकिन एट द एंड बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट हमारा चॉकलेट स्पंज केक रेडी हुआ और बहुत मज़ा आया, इतना ज़बरदस्त बना कि अब आ रही है अबीर की बर्थडे, तो इंशाल्लाह अबीर की बर्थडे आ रही है 25 जून को, और 25 जून को एक और ब्लिपी केक मैं बनाऊंगी और उसकी रेसिपी भी ज़रूर अपलोड करूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त सा केक हमारा बेक हो रहा है, कलर भी बहुत प्यारा आ रहा है। मैं कोशिश कर रही थी वीडियो ऐसी बने जो बाकी केक वालों की बनती है ना,
के बिल्कुल नीचे दबा हुआ केक है, ऐसे ऐसा पक पक के ऊपर आता जा रहा था। मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन खैर मुझसे नहीं बनी, लेकिन केक बहुत अच्छा बन रहा था और मैं बार बार उसकी वीडियो आगे बना रही थी, चेक कर रही थी, और जो है कच्चा था तो मैं दोबारा लगाती जा रही थी बेक करने, क्योंकि इसका तरीका यही होता है कि आप कोई भी टूथपिक या माचिस की तीली ले लें और उसको अंदर डिप करके चेक करें, तो अगर आपका बैटर उस पर स्टिक हो रहा है इसका मतलब आपका बैटर अभी कच्चा है, तो जब कच्चा हो तो और आप लगा लें इसको, ठीक है ना। और इसके अलावा मुझ में पेशेंस नहीं, पता नहीं कि मैं बार बार आके केक अपना चेक कर रही थी, कि आप लोग भी अपना केक बार बार आके चेक करते हैं जब आप बेकिंग करते हैं। फाइनली केक हो गया है हमारा तैयार, बहुत ही ज़बरदस्त सा स्पंजी सा केक हमारा तैयार हो गया। लास्ट टाइम क्या गड़बड़ हुई थी, जब मैं इसको प्रेस कर रही थी तो ये वापस अपनी जगह पे नहीं आ रहा था। स्पंज का मतलब ये होता है आप प्रेस करके तो छोड़ दो, वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाए, लेकिन जो पहले मैंने केक बनाया था उसमें ये चीज़ क्वालिटी नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा ये क्वालिटी आई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया और सब नीचे से बटर पेपर उतार रही हूँ, और ये भी बहुत ही स्मूथली उतर आया, तो उससे भी बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा केक जो है टूट जाएगा। और इसके अलावा मैंने आपने देखा होगा नीचे केक को जिस ट्रे पे रख के मैंने उल्टा किया है वो ट्रे होल वाली है, डॉट डॉट होल, उसके बाद जब मैंने दोबारा इस केक को सीधा किया तो उसके ऊपर छोटे छोटे ट्रे से सर्कल मार्क आ गए। खैर वो भी डिज़ाइनिंग लग रही थी और वो भी बहुत प्यारा लग रहा था, मुझे तो हर चीज़ ही बहुत खूबसूरत लग रही थी क्योंकि मैंने की थी मेहनत, और मेहनत जब रंग ले आया तो इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है, और मैं बहुत खुश थी क्योंकि केक बहुत स्पंजी और फ्लफी बना था। इसके अलावा ऑटोमेटिकली जो मैंने नहीं सोचा था वो डिज़ाइनिंग आ गई थी। और फिर है स्पेशल बात बताऊँ, आज केक बनाने का मकसद ये था कि 20 तारीख को हमारी एजल 2 महीने की हो गई, माशाल्लाह। आप लोग दुआएं दीजिए कि अल्लाह उसके नसीब अच्छे करें, उसे लंबी उम्र दे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, हम हमेशा खुश रहे हमारी बच्ची। तो आज वो पूरे 2 महीने की हो गई है और आज है फादर्स डे भी, तो दोनों चीज़ें हमने सेलिब्रेट करनी थी, तो मैंने बनाया था केक और बहुत ही मज़ेदार फ्रोस्टिंग केक तैयार हुआ था। और फ्रोस्टिंग थोड़ी बह रही है मेरी, उसकी वजह ये थी कि मैंने विपी विप क्रीम जो है ऑर्डर की थी ऑनलाइन तो वो आई नहीं, और फिर जो मेरी पहले की रखी हुई थी थोड़ी सी थी उसको विप किया, और इसके अलावा एक्स्ट्रा दूसरी कंपनी की विप क्रीम बनी, नॉर्मल क्रीम थी तो मैंने विपी क्रीम में मिक्स करके कैस्टर शुगर डाल के उसको बीट किया था, तो जिसकी वजह से वो सही तरह से जो है विप नहीं हो पाई थी और जो है गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही थी, लेकिन एट द एंड एक बहुत मज़े का बना था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताएगा आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।